फ्यू छोटे बड़े हैं सारा प्यार बड़ों को पैरी पोना जी। गाइस टाइम हो रहा है अभी एक सेकेंड, पौना एक हो गया और अभी जस्ट नाश्ता निपटा है। आज आरफ को स्कूल नहीं भेजा क्योंकि आरफ कल जब से स्कूल से आया ना तब से बहुत ढीला पड़ा हुआ है। लाइक उसको फीवर हो रहा है, कभी बुखार चढ़ रहा है, कभी उतर रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है और आई नो कि गर्मी की वजह से उसको प्रॉब्लम हो रही है। और अभी भी नाश्ता उसने किया जब तो भी हल्का सा गर्म लग रहा है मुझे, तो मैंने उसको बोला कि हमारे तो गली के बाहर ही डॉक्टर है भाई, जाओ दवाई लेकर आओ अपनी। तो अभी वो जाने वाला है दवाई लेने के लिए, तो गर्मी की वजह से उसको प्रॉब्लम हो रही है और हम दोनों माँ बेटे गर्मी बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। मैं खुद अगर धूप में बिना लपेटे निकल जाऊँ, अभी तो मैं पूरा लपेट कर पैक होकर गॉगल्स दुपट्टा ग्लव्स सब पहन कर निकलती हूँ उसको लेने के टाइम पे, आपने देखा ही है। लेकिन अगर मैं धूप में आधा पौना घंटा बिना लपेटा सर ऐसे खुला रख के चली जाऊँ ना, मुझे सर गर्म हो जाता है, सर दर्द शुरू हो जाता है और बुखार हो जाता है। मतलब हम दोनों माँ बेटे गर्मी बिल्कुल नहीं झेल पाते, इसीलिए बिल इतने इतने आते हैं और हमें डांट पड़ती है। बट अब क्या करें यार, मरना थोड़ी है गर्मी में, इतना बहुत गर्मी है। तो अभी आरफ जा रहा है दवाई लेने के लिए और मैं आपको घर का हाल दिखाती हूँ। आज बहुत मैस हुआ पड़ा है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं पहले जो कल सारा सामान मेरे हस्बैंड लेकर आए थे मेरे लिए, मैं वो समेटूँ या मैं ये पहले जो पूरा खिलारा मचा पड़ा है मैं ये समेटूँ। आधा पौना घंटा तो मुझे इस बकरी के साथ लग जाता है इसको नाश्ता कराते कराते, तो ये टाइम आ जाता है। फिर कहते हैं करती क्या सारा दिन, टाइम तो इतना होता है तेरे पास, टाइम नहीं होता अपने लिए। बट मैं अपने लिए टाइम ज़रूर निकालती हूँ, ये आपको पता है। मैं अपना हर काम टना टन तैयार, मेकअप नहाना धोना सब टिप टॉप करके रखती हूँ, बट अभी तो मेरी टिप टॉप वाली हालत ही नहीं है। तो अभी पहले घर का एक लुक देखते हैं कितना सुंदर हुआ पड़ा है, सफाई के बाद कैसा होगा और अभी क्या है। तो मेरी इतनी बड़ी पोटली आप यही देख लो, ए बकरी, ये देखो बकरी बोला है, कैसे सुना है, कितना बदतमीज है, इसे पता है मैं इसको बकरी बुलाती हूँ। यहाँ ये इसके भाई साहब के डंबल पड़े हैं, परसों एक्सरसाइज करे थे तो कल बच्चे नहीं आए, यहीं पड़े हुए हैं। ये टॉवल टूबल सब नहा धो के इधर पड़े हुए हैं। बाहर सोफे की गद्दियाँ यहाँ पड़ी हुई हैं। ये देखो ज़रा जो बिस्तरे तय, ये बिस्तरे ना मेरे हस्बैंड तय लगा कर गए आज की, भी मेरे को दिक्कत ना हो। और ये माउंटेन्स आर कॉलिंग वाला बैग अभी तक यहाँ पे है, मैं अभी इसको ऊपर रखती हूँ अलमारी के। तो ये सारा कमरा अभी एक्चुअल मेस हुआ पड़ा है, आइए बाहर देखते हैं। ये देखिए मैं अंदर थी तो ये अंदर आ गया, मैं बाहर आई हूँ तो ये बाहर रूम में आ गया। तो ऐसा जिस कमरे में ज़्यादा मेस कुछ है नहीं, बट यही है बस चादरें वादरें पड़ी हुई हैं यहाँ पे, एक इधर एक उधर। अभी आरफ बैठा हुआ है, थोड़ा सा नाश्ता करके हटा है, अभी दवाई लेने जाएगा, मैं उसको नहीं दिखा रही अभी। तो करते हैं पहले ये सारा रूम समेटा समाटी। और ये कार्टन में ना सामान आधा मैंने लगा दिया था, आधा अभी पड़ा है, तो ये कार्टन खाली करना है मुझे और ये सारा सामान डब्बे में भरना है, एक बहुत बड़ा डब्बा है मेरे पास। तो चलिए अभी हम इसको करते हैं मैनेज, पहले ये सारा सामान समेट लें। पानी भर गया, तो ये चीज़ें पहले समेटी जाएंगी उसके बाद ही सफाई शुरू होगी, क्योंकि इतना खिलारा मचा के तो सफाई करने का फ़ायदा ही नहीं है। तो करते हैं रूम की सफाई। अब ये डब्बा मैंने खाली करने लगी हूँ, मतलब ये स्पेशियस है, काफ़ी सामान आ जाता है इसमें। और ये बहुत टाइम पहले लाई थी जब आरफ बहुत छोटा था, तो अभी इसमें जो सामान है वो मैं निकालती हूँ, जो खुला पड़ा उसको अलग करती हूँ। और ये मैक्रोनी उस दिन बनाई थी तो थोड़ा सा पैकेट बच गया, तो ये सामान की सफाई करके जो कार्टन में सामान पड़ा है वो मैं इसमें डाल के रखती हूँ। तो चलिए अभी देखते हैं इसमें कितना सामान हम भर सकते हैं और कितना सामान आ सकता है, और जो बचा हुआ है खुला पड़ा उसको अलग डिस्कार्ड करते हैं। राइट, बहुत ज़्यादा मैस हुआ पड़ा है ये डब्बा भी। फाइनली डब्बा पूरा साफ कर दिया गया, अब भरते हैं इसमें सारा कार्टन का सामान। गाइस ये देखिए डब्बे में सारा सामान भरा गया है, और टच वुड कल इन्होंने बहुत अच्छे से शॉपिंग करा दी हमारे लिए, सारा सामान ला के रख दिया, तो बस ऐसे ही भगवान इनको बरकत दे। तो चलिए अभी सारा सामान मैंने भर दिया है और अब मैं इसको बंद करूँगी और रख दूँगी अलमारी के अंदर। तो ये एयर टाइट डब्बा है, तो इसमें चूहे के अंदर घुसने का कोई लॉजिक ही नहीं है, मतलब वो घुस ही नहीं सकता अंदर। तो ये बहुत अच्छे से बंद हो गया है, टाइटली पैक्ड एकदम फुल ऑन। ये देखिए सब कुछ क्लियरली दिख रहा है इसमें। फाइनली अब 3 बजे जाकर मेरा सारा काम खत्म हुआ और इतना आलस मचा रखा है ना मैंने, मतलब आलस क्या मचा रखा है, काम तो मैं सारा ही कर रही हूँ बट करने का मन नहीं हो रहा। मतलब मेरा मन कर रहा है कि बच्चे बैठे हुए हैं, आरफ अपना दवाई दुवी खा के थोड़ी देर सो गया था, अब उठा तो अपना पढ़ रहा है क्योंकि उसका पेपर है, फ्राइडे को SST का एग्जाम है उसका, तो उसकी तैयारी करनी है। बेटी की छुट्टी है, वो अपना TV वगैरह में मूवी लगा के बैठी है। अब मेरा मन नहीं कर रहा कुछ करने का, बट काम तो करना पड़ेगा। क्या कर रही है? अच्छा हाँ, मैंने TV बंद करा दिया अभी क्योंकि आरो पढ़ने बैठे हैं। आप दोनों कमरों में तो AC चला नहीं सकते, एक ही कमरे में चला के बैठे हैं। और मैंने आज अपने लिए बड़े दिनों बाद बनाई है खिचड़ी, वो भी इस लालच में कि मुझे अचार खाना है, नींबू का खट्टा मीठा वाला। ये देखिए गाइस, ये देखिए ये मैंने खिचड़ी बनाई है, थोड़ी सी मेरे लिए थोड़ी सी ब्रूनो के लिए, और बच्चे तो वो शेजवान की मैगी खाएंगे। ये डाला है मैंने नींबू का अचार, और रात के लिए मैंने यहाँ पे ना चावल भी भिगाए हैं और चने की दाल भी, क्योंकि चने की दाल की खिचड़ी बनाने का प्रोग्राम हो रहा है रात को, साथ में टिंडे वगैरह कुछ देख लूँगी या भिंडी। तो ये है अभी मेरा लंच।
गाइस फाइनली सारा काम खत्म करके मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ और अभी ब्रूनो को खाना खिलाने का टाइम है। अभी थोड़ी देर पहले मेरी सिस्टर आई थी, बेचारी वो रुकी भी नहीं, दो मिनट फटाफट पानी पिया, किसी काम से आई थी, बात बात की और चली गई, क्योंकि ब्रूनो बिल्कुल नहीं बैठने देता और वो डॉग से बहुत डरती है। तो बड़ी कोशिश की कि बैठ जाए, खाना खाए, लेकिन वो नहीं रुकी, ना डर के भाग गई, कह रही मैं नहीं आऊँगी, बहुत तंग करता, तू आगे मिलना। मैंने कहा चलो ठीक है। तो अभी इसको खाना खिलाती हूँ और थोड़ा सा इसे पानी वानी गिरा दिया, वहाँ पे ज़रा पोछा लगा लूँ, मतलब पूरा साफ सफाई कर लूँ, फिर इसको खाना खिलाती हूँ। और बच्चों ने आज शेजवान की चिंग्स मैगी बनवाई थी जो उसके पापा का लेकर आए थे। देखिए गाइस ये देखिए, ये चिंग्स मैगी बनाई है मैंने बच्चों के लिए, आरव तो खा रहा है और बेटी अभी नहाने गई है। तो ये जो है हमारी मंचूरियन इंस्टेंट नूडल्स, ये बनाए थे मैंने अभी इनके लिए। तो आज उन्होंने बाहर से फाइनली कुछ नहीं मंगवाया। गाइस अभी है एक मिनट, अभी ये ब्रूनो को खाना खिलाने का टाइम, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। गाइस बच्चे आना शुरू हो गए हैं और मैंने बनाई है अपने लिए अदरक वाली चाय, क्योंकि आज ना बहुत सुस्ती आ रही है तो अदरक वाली चाय तो बनती है। ये देखिए गाइस, अदरक इतनी सारी डाली है मैंने, कर रही है। और दूध बिल्कुल बस, सिर्फ इतना दूध डालती हूँ मैं चाय में कि बस कलर चेंज हो जाए। और बाहर ना बारिश का मौसम है, बट एज यू नो बारिश होगी नहीं, आई नो दैट। तो चलिए अब आपसे मिलते हैं, फाइनली गुफ्तगू करेंगे शाम को। 8 बज रहे हैं और मैं अभी पढ़ाकर फ्री हुई हूँ, लेकिन आरव को बुखार वापस से हो गया है। दोपहर को ठीक था, शाम तक भी ठीक था 6:30 बजे तक, बट अब उसको दोबारा से बुखार चढ़ गया है। तो मैं अभी पहले उसको लेकर जाऊँगी डॉक्टर के पास, मैं खुद जाऊँगी और दवाई भी लेकर जाऊँगी, और बुखार चढ़ रहा होता रहा विच इज़ नॉट एट ऑल गुड। और नंबर टू मैं ब्रूनो को लेकर जाऊँगी, उसका आज डी वॉर्मिंग है, तो पहले आरव को, फिर ब्रूनो को, फिर घर आकर खाना, फिर खिचड़ी वगैरह जो बनानी है वो, टिंडे विंडे वो, फिर उसके बाद लगेगी मशीन रात को। तो जो टाइम जैसे जैसे मिलेगा हमें, हम उसके अकॉर्डिंग काम करते रहेंगे। तो पहले मैं जाती हूँ आरव को लेकर, और डॉक्टर क्या एडवाइस करते हैं हमें कि इसको बुखार बार बार चढ़ रहा उतर रहा क्यों है। तो अगर बुखार इसी तरह से रहा तो ऑब्वियसली कल भी स्कूल वो नहीं जाएगा, और मेडिकल मैं डॉक्टर को बोलूँगी, वो बना देंगे। चले जाते हैं उसको लेकर डॉक्टर के पास। फाइनली आरव को भी ले गए डॉक्टर के पास। ब्रूनो को 3 सुइयां लगी है, एक लगा हेपेटाइटिस का वैक्सीन, एक लगा है कोविड का वैक्सीन, और एक उसकी डी वॉर्मिंग की जो दवाई होती है, मतलब दवाई नहीं थी वो भी वैक्सीन ही था, तो वो लगा। 3 तो लग गए इसको। और आरव पड़ा हुआ है बहुत ज्यादा ढीला, मेरा बॉडी बिल्डर आज कमजोर पड़ गया, इसको ना इसकी नजर लगी है, सच बता रही हूं। जिम नहीं करना बिल्कुल भी। इंस्ट्रक्शन सुन लिया पीछे से क्या बोला भाई बड़ी बहन ने, 2-3 कोई जिम नहीं करना, घर में बैठे आराम करो। तो डॉक्टर ने बताया कि ये वायरल है और ये बहुत ज्यादा फैला हुआ है, क्योंकि गर्मी बहुत है, बच्चे स्कूल जाते हैं गर्मी में, फिर घर आते हैं एसी कूलर वगैरह में, तो वो गर्म सरद हो गया इसको, तो अभी इसे स्कूल नहीं भेजना। हाँ स्कूल के पंखे तो मतलब एसी को फेल करते हैं, सीरियसली एसी को फेल करते हैं स्कूल के पंखे, तो गर्मी बहुत है, इसी वजह से इसको गर्मी लग गई है, जो मुझे भी कई बार हो जाता है। तो बस अभी मेरी बेटी बैठ के भिंडी काट रही है, क्योंकि मैं ये भिंडी जब तक काट रही है मैं फटाफट खिचड़ी बना लेती हूँ। चने की दाल और चावल आपको दिखाए थे जो भिगाए हुए हैं, तो एक तरफ खिचड़ी बनाते हैं एक तरफ भिंडी, और मैं लेकर आई हूँ क्योंकि आरव को खिलानी है। एक्चुअली हमें तो इतना शौक है नहीं आइसक्रीम वगैरह खाने का, तो आरव को ठंडी चीज़ें खाने के लिए बोली है। हाँ बना बता रही हूँ, तो मैं लाई हूँ मदर डेरी की कौन सी फ्रूट एंड नट आइसक्रीम बड़ी वाली, तो आरव के बहाने हम भी खा लेंगे, है ना, सब तेरे बहाने ही खा लेंगे हम भी। तो चलिए पहले भिंडी देखिए, फिर खिचड़ी देखिए, फिर आप मुझे देखिए। भाई जी देखिए भिंडी काटी जा रही है, और ये भिंडी ना मैंने अमेजोन से मंगवाई थी, 17 रुपये की आधा किलो, देखो मैं रेट भी बता रही हूँ। तो भिंडी कट रही है, तब तक मैं खिचड़ी बनाती हूँ, फिर भिंडी बनाएंगे। मेरा प्यारा सा बच्चा बिल्कुल शांत हो गया। आले मेरी बुन्नी, 3 सुई लग गई तेरे को, मजा आ गया। कुत्तिया तेरा भी कर्जा देना है मैंने। चने की दाल की खिचड़ी तो मैंने बना ली, अभी प्रेशर निकला नहीं है, और भिंडी बन रही है। हस्बैंड मेरे आ गए हैं, तो अभी उनको मैंने पानी वानी दिया, तो फटाफट बैठते हैं, तो आइसक्रीम डालते हैं और आइसक्रीम खाते हैं। गर्मी बहुत लग रही है, मेरे हस्बैंड कह रहे खाना खाने के बाद खाएंगे, मैंने कहा अभी भी खाएंगे, खाना खाने के बाद भी खाएंगे, ब्रेक खत्म कर देंगे, बट बहुत गर्मी है, आइसक्रीम तो बनती है। तो ये देखिए हमारी बन रही है भिंडी। ये देखिए गाइस, यहाँ पर हम बना रहे हैं भिंडी, अभी सिर्फ भिंडी डाली है, और ये लेस छोड़ेगी जब पूरी तरह से, तो उसके बाद मैं इसमें नमक मिर्च और हल्दी डालूंगी, और बिल्कुल एंड में जब ये पक जाएगी तो उसमें डलेगा आमचूर पाउडर, दैट्स इट। फाइनली अभी भिंडी बनाने के बाद, खिचड़ी बनाने के बाद, कपड़े कपड़े सब चेंज कर लिए और मशीन ऑन करके आई हूँ, और टाइम हो रहा है 11 बजे वॉशिंग मशीन हमारी स्टार्ट हो रही है। तो खिचड़ी भी मैं आपको दिखाती हूँ, और जो भिंडी बन रही है मतलब ऑलमोस्ट बन चुकी है, मैंने आमचूर वगैरह डाल दिया उसमें, तो भिंडी भी रेडी है और खिचड़ी भी, तो मैं तो खिचड़ी खा रही हूँ, आइसक्रीम हम एक बार खा चुके हैं सारे, तो इन लोगों को जब खाना खाना होगा ये खाएंगे, तो मैं पहले खिचड़ी खा लूँ, फिर ब्रूनो के पीछे भागते भागते उसको रोटी खिलाऊंगी, ताकि मेरी खिचड़ी जो है वो डाइजेस्ट हो जाए। ये देखिए
भिंडी, इतनी सारी भिंडी लग रही थी जब मेरी बेटी काट रही थी आधा किलो, और अब देखिए बनके कितनी जरा सी हो जाती है ये। तो भिंडी पूरी तरह से रेडी हो चुकी है, आमचूर वगैरह डाल दिया, और अभी मैं खिचड़ी आपको दिखाती हूँ। गाइस ये देखिए, ये बनाइए चने की दाल की खिचड़ी। तो अभी मैं लूँगी थोड़ी सी खिचड़ी और दही और भिंडी सुबह पराठे के साथ।